ओके दोस्तों, वेलकम माई यूट्यूब चैनल अगेन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पैरेलल में अगर दो बैटरी को कनेक्ट कर दी जाए, अलग अलग एज की दो बैटरी को अगर पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं तो क्या बैटरी ख़राब होती है या सेफ रहती है, बात करेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि एक तो 40 AH की जन सोलर की बैटरी है, ये देख सकते हैं आप, जन सोलर 40 AH की सोलर बैटरी है, जिसके साथ में मैंने पैरेलल में कार बैटरी ऐसे सोनिक की, देख सकते हैं, ऑटो की बैटरी 32 AH की, 32 AH की कनेक्ट कर रखी है। दोनों बैटरी पैरेलल में कनेक्ट है और महीने दो महीने से ऊपर हो गया है इस कनेक्शन को मोटे वायर के थ्रू के हुए। उसके पहले भी कनेक्ट रहती थी, पतले वायर से कनेक्ट रहती थी। फिलहाल दो महीने से ये मोटे वायर से कनेक्टेड है, आप देख सकते हैं 2.5 mm के वायर से। बैटरी मोस्टली फुल चार्ज रहती हैं, आप देख सकते हैं वोल्टेज, ये देखिए लगभग 140 वाट का सोलर पैनल इनसे कनेक्ट है, ठीक है। 140 वाट तक की पैनल से पावर इन तक आ रही है, 6-7 एम्पियर आते हैं दोपहर में। और बैटरी फुल रहती हैं क्योंकि ज़्यादा लोड नहीं, क्योंकि जाड़े चल रहे थे, विंटर्स चल रहा था, कुछ लाइट ही जलानी होती हैं, फ़ोन चार्जिंग या लैपटॉप चार्जिंग करनी होती है, तो बैटरी ऑलमोस्ट फुल रहती हैं। तो ऐसे में और कभी कभी जब बारिश का सीज़न आया था बीच में, तो जो है बैटरी डाउन भी हुई थी, ठीक है। तो इस सब प्रैक्टिकल के बाद ही मैं कह सकता हूँ कि अभी तक तो मेरी किसी भी बैटरी में कोई इशू नहीं आया, ठीक है। ना ही किसी बैटरी के वाटर लेवल में कोई प्रॉब्लम आई कि इसका वाटर लेवल ज़्यादा कम हो गया, इसका नहीं हुआ, ऐसा भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों में वाटर भी अच्छे से है, लेवल बना हुआ है, किसी का वाटर पानी ज़्यादा खर्च नहीं हुआ, उड़ा नहीं, ठीक है। बाकी कोई बैटरी कहीं से फूली नहीं, डैमेज नहीं हुई, ओवरचार्ज नहीं हुई, देखिए, ठीक है, कहीं से कोई भी लीकेज नहीं है, ये देख सकते हैं, कोई बैटरी का इवेपोरेशन, बैटरी के पानी का कोई इवेपोरेशन नहीं है, और बैटरी का कहीं से कोई साइड फूली हुई अगर आपको नज़र लग रही हो, थोड़ी बहुत भी नहीं है, देखिए बिल्कुल एज इट इज़ है, जैसे मैं पहले दिन लाया था, 3 साल बाद भी ऐसी की ऐसी ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बैटरी में, ठीक है। तो यानी कि पैरेलल में कनेक्शन किया जा सकता, मगर सीमित कंडीशन में कि इससे लोड बहुत ज़्यादा नहीं लिया जाए, ठीक है, 5-6-7 एम्पियर से ज़्यादा का लोड ना लिया जाए, दोनों बैटरी सेफ तरीके से काम करेंगी, क्योंकि दोनों ही बैटरी हमारी 40 AH के अंदर की हैं, 40 AH से छोटी हैं, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं, और लोड में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं चलाता हूँ, मैंने बताया आपको, कुछ LED लाइट जिससे मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, वीडियो में जो रिकॉर्ड करता हूँ वो LED लाइट जलाता हूँ सेटअप के लिए, बाकी स्मार्टफोन चार्जिंग, लैपटॉप चार्जिंग, और विंटर चल रहे थे, अब गर्मी आएंगी, अब इनकी और अच्छे से होगी टेस्टिंग, क्योंकि गर्मियों में अब मैं DC फैन चलाऊंगा और प्रोबेबली पावर इन्वर्टर कनेक्ट करके सीलिंग फैन चलाऊंगा। और मैं आपको फिर आपको एक्यूरेट चीज़ बताऊंगा कि सीलिंग फैन जब मैं पावर इन्वर्टर से चलाऊंगा तब बैटरी में कितना पानी खर्च होगा, बैटरी कितने एम्पियर से चार्ज होगी, क्या बैटरी पूरे दिन में फुल चार्ज होगी या नहीं होगी, क्योंकि असली टेस्टिंग सोलर एनर्जी सिस्टम की गर्मियों में होती है, ठीक है, गर्मियों में। तो वहाँ पर वो उसकी मैं वीडियो जरूर आपसे शेयर करूँगा। फिलहाल इस वीडियो में यही था कि बैटरी को, दो अलग अलग एज की बैटरी को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो बहुत बड़ी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस ये है कि आप लोग को उसके 10% के हिसाब से यूज़ करना है। 40 AH की बैटरी है ये, और ये 32 AH की है, तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा 10% से 20% पर ही जाएंगे, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। बैटरी हमारी सेफ तरीके से काम करेगी, सेम डिस्चार्ज होगी, सेम चार्ज होगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। थैंक यू।